राजकीय आर्य महाविद्यालय नूरपुर की एनएसयूआई इकाई द्वारा एसडीएम नूरपुर के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें मांग की गई है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ज्ञापन के माध्यम से ये सवाल पूछा गया है कि शिक्षा के परिणामों में इतनी देर क्यों लगी और बिना परिणाम घोषित किए उन छात्रों को द्वितीय वर्ष में दाखिला क्यों दिया गया। राजकीय आर्य महाविद्यालय नूरपुर की एनएसयूआई इकाई द्वारा एसडीएम नूरपुर के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें ये मांग की गई कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जानकारी देते हुए एनएसयूआई के छात्र व छात्राओं ने बताया कि 2018-19 वाले छात्रों का रिजल्ट बहुत ही खराब निकाला गया है। ज्ञापन के माध्यम से ये सवाल किए गए कि शिक्षा के परिणामों में इतनी देरी क्यों लगी और बिना परिणाम घोषित किए ही उन छात्रों को दूसरे वर्ष में दाखिला कैसे दे दिया। छात्र व छात्राओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि परिणामों में देरी का सभी छात्र संगठन बहुत विरोध कर रहे थे, जिस वजह से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जल्दबाजी में आधा अधूरा व गलत परिणाम घोषित किए हैं। एनएसयूआई का कहना है कि इन परिणामों को लेकर बच्चे बहुत मानसिक तनाव में हैं और कॉलेज में जो छात्र 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों से पास हुए थे व जिनका क्लास टेस्ट में भी अच्छे अंकों से पास होते रहे हैं, वे भी छात्र फेल कर दिए गए हैं। ज्ञापन के माध्यम से दो ही मुख्य मांगे रखी गई है कि जो भी छात्र फेल हुए हैं उन्हें दूसरे वर्ष में ही रहने दिया जाए व सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का मौका दिया जाए, और जो एक दो अंक से फेल हुए हैं उन्हें फ्री रिवैल्यूएशन की सुविधा दी जाए। प्रॉब्लम ये है कि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी गलत गाइड किया गया है टीचर्स के थ्रू या स्टूडेंट्स या कुछ भी है, जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली है। बच्चों को कहा गया था कि टोटल 40 मार्क्स चाहिए, ये नहीं कहा गया था कि थ्योरी में पास होना ज़रूरी है। अब बच्चे थ्योरी में पास है मींस कि टोटल भी उनका 40 बन रहा है, बट बच्चे फेल कर दिए गए हैं, वो चीज़ गलत है क्योंकि बच्चों का गाइड ही गलत किया गया था। बच्चे टोटल मार्क्स 40 लेके चल रहे हैं पर उनको पास नहीं हो रहे, कई बच्चे 2 मार्क्स से रह रहे हैं, वो बच्चों को मौका नहीं मिल रहा। एक तो जो हमारी एचपी यूनिवर्सिटी है उन्होंने रिजल्ट लेट निकाला, रिजल्ट लेट निकालने की वजह से बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आई है। ना तो बच्चे अब कहीं और एडमिशन ले सकते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, ना तो उनको कोई मौका दे रहे हैं। एचपी को एक मौका देना चाहिए ताकि बच्चे आगे कुछ कर सके, नहीं तो उनका एडमिशन ओपन कर दें एटलीस्ट, या फिर रेवोल्यूशन भर के बच्चों को पास कर दें जिनका 1 या 2 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। उनको मौका देना चाहिए, ना कि उनको ऐसे मतलब कुछ भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है एचपी, एटलीस्ट उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने सेकंड ईयर में एडमिशन ले ली थी इस कॉन्फिडेंस से कि वो फर्स्ट ईयर में क्लियर हैं, बट रिजल्ट इतना लेट आया कि उन्हें आज पता चल रहा है कि वो क्लियरली पास नहीं है। मैं इतना यूनिवर्सिटी से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट जो 2 या 3 नंबर से फेल हो रहे हैं प्लीज़ उनको चांस दिया जाए ताकि वो नेक्स्ट एयर में या नेक्स्ट क्लासेस में बैठ सके। एंड अपनी सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चों को पहले इन्होंने बोला हुआ था न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि 40% के अब बच्चे पास होंगे, अब इन्होंने बताया है कि जैसे हर थ्योरी में भी पास होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में भी पास होना पड़ेगा। आज जैसे टीचर ने प्रैक्टिकल में बच्चे खुद में फेल किए हुए हैं, प्रैक्टिकल में बच्चे फेल किए हुए जानबूझ के इन्होंने, और मान लो अगर बच्चे ने किसी मतलब किसी भी बच्चे ने कुछ कर लिया तो कौन जिम्मेवार होगा इसका, अगर किसी को कुछ हो गया तो फिर इसमें कौन बीसी तो कुछ करे ही नहीं। तो कम से कम बच्चों को तो मौका तो देना चाहिए कि कम से कम बच्चे पास हों। आधे से ज़्यादा बच्चों को तो प्रैक्टिकल और थ्योरी में इन्होंने 1-1 नंबर नहीं दिया, कम से कम ग्रेस मार्क लगा के तो बच्चों को पास कर दो। 1 साल उनका वेस्ट किया उन्होंने, ऊपर से अब दूसरा साल भी वेस्ट होगा, बच्चे ना आगे के एडमिशन ले पाएंगे, आगे के एडमिशन ले पाएंगे ना आगे कुछ कर पाएंगे वो। तो सर उनको मौका देना चाहिए कम से कम।